हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज है साल का आखिरी दिन, आज है 31 दिसंबर 2022, और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो नया साल आ चुका होगा और डेट होगी 1 जनवरी 2023। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत अच्छी तरीके से जाए, सबकी हेल्थ बनी रहे। तो अब कन्या की भी छुट्टी पड़ चुकी है जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो भी हम सब नहा के रेडी हो चुके हैं। वो भी जा रहा है ऊपर पढ़ने के लिए क्योंकि उसके पेपर आने वाले हैं। उसकी अम्मा उसको पढ़ा रही है पेपर के लिए, तो वो धूप सेक रहा है थोड़ी। हमारे इससे जो पहले वाला व्लॉग था, आपने बहुत अच्छी तरह के प्यार दिखाया उस पर। आपने वो व्लॉग नहीं देखा है और अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाइए आप उसको भी देख सकते हैं जाके, जिसने नहीं देखा है। ऐसे हमारी वीडियो को, चैनल को अच्छी तरह प्यार बनाए रख के सपोर्ट करते रहना, जिससे कि मोटिवेशन मिलती रहेगी नए नए और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने में। जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर करना, आपको नीचे एक दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। और आज का बस मैं कुछ करते नहीं हूँ, मतलब कुछ कर नहीं रहा मैं आज के दिन, तो बस घर पे ही हूँ। और मैं जो दिखाऊंगा कि आज जो भी मैं करूंगा, तो व्लॉग के साथ बने रहिए, व्लॉग पूरा देखना। तो गाइस, पाजी कल गाजर लाए थे तो मैं गाजर ही घिस रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि हम ना नए साल पे हमेशा घर पे ही गाजर का हलवा बना लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो मेरा तो फेवरेट है गाजर का हलवा, क्योंकि सर्दी आती तो मैं तो गाजर का हलवा, मुझे बहुत मजा आता है। मैं हर साल हम बनाते हैं गाजर का हलवा, घर पे ले आते हैं और घिस के और बना देते हैं। और मुझे जो पसंद है, मुझे तो बेसिकली घर का ही पसंद है, बाहर का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे घर का ज्यादा बढ़िया मजा आता है। तो अभी बढ़िया लगता है, पर ये भैया भैया को बाहर का अच्छा लगता है क्या है, तो मुझे तो घर का पसंद है। तो अभी देखो, बस यही घिस रहे थे मम जी, ऐसे है ये कल पाजी गाजर ले आए थे तो ये मम जी ऐसे घिसने लग रही है, फिर पानी में से साफ करके यहाँ रखती है। और मैं इसको भी घिसना स्टार्ट करूंगा कद्दूकस में, ये ना तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ अभी घिसना। तो मैं आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे घिसेंगे, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइज, मैं अपना सेटअप लेके बैठ चुका हूँ। ये देखो मेरा ये इसमें, मतलब इसमें घिसूंगा अब गाजर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे गाजर है देखो कितनी मोटी है, इन्हीं गाजरों से बनेगा हलवा, क्योंकि वो जो पतली पतली आती है उनसे नहीं बन पाएगा ना, उन छोटी छोटी सी है जल्दी जल्दी। अब जैसे ये, मतलब इसमें क्या है, थोड़ा टाइम भी लगेगा घिसने में क्योंकि ज़्यादा मोटी है। तो अब देखो मैं ऐसे घिसता हूँ, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे जो है ना, ये इसके छल्ले निकल रहे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना जैसे गाजर के, ये देखो छल्ले निकल रहे हैं ऐसे, तो ऐसे इसमें से निकलेंगे जैसे मूली के छल्ले, जिसे कहते हैं ना मूली के छल्ले, ऐसे। हाँ, लच्छा भी कहते थे, छल्ले भी कहते थे। और ये कन्या भी बैठा है, कन्या तू देखे ऐसे, देखो ये ऐसे हो गया है, लच्छा जिसे कहते हैं गाजर का, तो वो हो चुका है। और बड़ी बड़ी ध्यान से छीलना पड़ता है, वरना क्या है ना, हाथ भी कटने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ये ना बहुत शार्प है, बहुत तेज है, इनकी धार ना बहुत तेज है, और कभी कभी कट भी जाता है, तो बहुत ध्यान से छीलना होता है। नहीं। तो गाइज, ये कन्या भी कह रहा है इसमें घिसने के लिए, पर ये इसको पता नहीं है, ये इसको इसको तो मज़ा लग रहा है कि मैं ऐसे कि मज़ा आ रहा है घिसने में, पर इसमें बहुत डेंजर है ये घिसना। और इसकी पड़ गई है छुट्टी कन्या की। तो देखो गाइस, ऐसे हो चुका है। तो गाइस, जैसे कि मैंने इतनी छील दी है, अब जो जो रिक्स रहता है ना ऐसे में रहता है, इसमें हाथ कटने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि वो बड़ी तो कटती रहती है आराम से, हाथ चलता रहता है, पर इसमें जो है ना, इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि यही हाथ काट देगी। तो देखो, मैं इसमें मेरा हाथ थोड़ा कम चल रहा है, धीरे चल रहा है, बहुत ऐसे करना पड़ रहा है, वरना वरना हाथ कट जाएगा। ये देखो ऐसे, और बिल्कुल लास्ट में तो और थोड़ा धीरे हो जाता है ऐसे, ये ऐसे।
तो गाइस मेरे को तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है, आपको आपको कौन सा हलवा पसंद है कमेंट में जरूर बताना आप। मेरे को भी गाजर पसंद है। कन्हैया को भी पसंद कह रहा है, कन्हैया पसंद है गाजर का हलवा, पर इसको बनाने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पर देखो कितनी मेहनत चल रही है। तो गाइस देखिए मैंने इतनी घिस दी है, देखो पूरी परात भर चुकी है। अब इसको उठाएंगे ऐसे और कुकर में डाल देंगे, फिर ये फिर अभी अभी ये मत सोचना कि ये इतनी है, अभी थोड़ी और रह रही है, ये तो अभी इतनी और रह रही है, अभी इतनी और घिसनी है। ये तो भर चुकी है तो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं कुकर में, ये देखो ऐसे भर रही है अभी है। अब मैंने छील दिया है, अब थोड़ी देर ये जो थोड़ी बची है ये भैया आएगा, थोड़ा भैया घिसेगा। तो गाइज मैंने थोड़ी सी गाजर छील दी है, मैंने आपको दिखाया था, और अब जा चुका है भैया घिसने के लिए थोड़ा, क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ अब दुखने लगा है घिसते घिसते, तो अब थोड़ा वो इतने पड़ रहा था तो वो अब वो आ चुका है। तो गाइज ये आ चुका है भैया, ये घिसने लग रहा है, कैसा लग रहा है? हाथ में दर्द हो गया और भाई झील कर लेता ना, ये देखो मतलब कुछ काम नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, अब थोड़ी सी तो रह चुकी है बस, देखो कितना लाल लाल लग रहा है, लग रहा है ना बहुत टेम्पटिंग टेम्पटिंग गाइस, इसको टेम्पटिंग वर्ड नहीं पता क्या होता है, आप इसको बता देना टेम्पटिंग वर्ड क्या होता है। मस्त सुपर ऐसे हम्बल हम्बल। और कन्हैया क्या कर रहा है तू? इसमें गेम है ये? हाँ। कौन सा गेम खेल रहा है बाजी? जो लास्ट की बचत नहीं आज छीलते हैं बाजी, आराम से सुनने जा रहे हैं। अबे लास्ट के आराम से छीलो यही हाथ, क्योंकि गाइस मैं भी पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल मैं घिसने लग रहा था तो मेरा है ना इतना है ना ये चीज थोड़ा सा कट गया था, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा ही तो कट चुका था, तो बहुत ध्यान से छीलना पड़ता है। तो गाइज हमने सारी गाजर घिस दी है, और ये देखो मैं कुकर में दिखाता हूँ, कुकर में हमने सारी डाल दी है, देखो कुकर पूरा भर चुका है, और ये भी जाएगा गैस पे थोड़ी देर, इसको गैस पे ये पकेगा ना तो थोड़ी देर इसको टाइम लगेगा पकने में, और जब तक एक सीटी नहीं आ जाती है ना तब तक एक, अब ये जा चुका है थोड़ी देर इसको टाइम लगेगा पकने में। तो गाइज मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि हमारा हलवा गैस पे चढ़ चुका है, और वो थोड़ी देर उसको एक सीटी आने के बाद मैं अब दिखाता हूँ कि कैसा हो रखा है, और वो अब कढ़ाई पे जा रहा है कि उसमें अब चीनी वीनी डलेगी। तो देखो ये है, तो यहाँ से अब इसमें ये उबल चुका है, और उबलने के बाद अब कढ़ाई में जा रहा है, इसमें थोड़ा चीनी डलेगी, देखो मम्मी जी चीनी डाल रही है, तो चीनी डालने के बाद ये धीरे धीरे धीमे धीमे आंच पे पकता रहेगा, ये देखो चीनी डल रही है और ये धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा, और क्या खुशबू, तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकता क्या खुशबू आ रही है घर के हलवे की बनी हुई, क्या मजा आ रहा है, मतलब जैसे ये कुकर खुला ना ढक्कन खुला तो मजा आ गया सुन के। गाइज अब अपने हलवे में डल रहा है मावा, जिसे कहते हैं खोआ, तो खोआ भी कह देते हैं मावा भी कह देते हैं, तो अब वो मेन चीज है तो वो डलना जरूरी है, तो वो ही अब मम्मी डाल दी है उसमें, तो देखो ये डलने लग रहा है अपना मावा, फिर इसके बाद भी थोड़ा और पकेगा, ये टाइम लगता है हलवे बनने में थोड़ा, आपके मुंह में भी अब पानी आने लग रहा होगा धीरे धीरे करके। तो गाइज अभी मम्मी ने बुलाया है, अब कह रही है कि हलवा कंप्लीट हो चुका है बन चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब कैसा हो रखा है, तो चलते हैं। तो हो गया मम्मी जी कंप्लीट? तो गाइज तो मम्मी जी कह रही है कंप्लीट हो चुका है, तो देखो क्या मस्त लग रहा है देखने में, अभी से पानी आ रहा है, पर अभी नहीं गाइज, ये क्या है ना रात को जब नया साल आ जाएगा ना तो भगवान जी को भोग लगा के तभी सबको मिलेगा खाने के लिए, तो अभी नहीं, तो रात को 12 बजे जब नया साल आ जाएगा तभी मिलेगा खाने के लिए, तो देखो क्या मस्त लग रहा है, मजा आएगा गाइस, सुबह से जो मेहनत करी है वो अभी नहीं, वो रात को सफल होगी, जो सुबह से हमने घिसा है गाजर तो सुबह रात को ही सफल होगी, तो क्या मस्त लग रहा है, अभी से ही पानी आने लगा मुंह में,
और मेरा तो फेवरेट भी है, मुझे तो बहुत मजा आएगा। और अभी टाइम हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं, तो अभी देर है, अभी तो वैसे भी रात को नया साल बनाएंगे थोड़ा सा। आपको मैं दिखाऊंगा, डांस वांस भी करवाऊंगा, कन्हैया करेगा थोड़ा डांस, है ना कन्हैया, डांस करेगा ना, कैसे करेगा। तो गाइज मैंने आपको हलवा दिखाया, कंप्लीट हो चुका है, बन गया हलवा, और अभी नहीं मिलेगा, वो नए साल पे मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था। और हमने भी सबने खाना वाना खा लिया है, अभी बज चुके हैं 10, और अभी नया साल आने में 2 घंटे हो रहे हैं अभी, और कन्हैया भी नाच रहा है, वो थोड़ा अभी ज्यादा खुश है तो भी नाच रहा है वो अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, चलो। तो गाइज 12 बजने में अभी कुछ सेकंड बचे हैं, देखिए कितने सेकंड रहे हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप, तो गाइज 12 बज चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर गाइज। तो गाइज वेलकम टू 2023, तो आपको आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे अपने घर में, और सेफ्टी बनाए रखे, कोरोना से थोड़ा बच के रहे, और तरक्की करे अपने इस नए साल में। और गाइस हमारे चैनल को प्यार दिखाइए हमारे इस नए साल में, और प्यार दिखाइए, सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, और सपोर्ट बना के रखिए, और सपोर्ट आपका सपोर्ट जरूरी है नए साल में, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, सब प्यार दो, हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइज बम जी ने यहाँ पे दिए जला दिए हैं, तो गाइज भगवान जी को भोग लगाते हैं अब हलवे का और रसगुल्लों का, तो लड्डू गोपाल जी खाओ हमारे हलवे और ये रसगुल्ला, तो बोलो लड्डू गोपाल की। तो गाइज अब चलते हैं, सबके पैर छूते हैं, तो पाजी का पैर छूते पहले, हंसते और जी के पैर छूते हैं, हंसते। तो अब चलते हैं नीचे, माँ जी के भी पैर छूते हैं, नए साल पे माँ जी का भी आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है माँ जी का। तो गाइस मैं आ गया हूँ माँ जी के पैर छूने, माँ जी का आशीर्वाद लेने। माँ जी आपको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। गाइस छत्र जी के भी पैर छूने आ गए, छत्र जी का भी आशीर्वाद देना, हैप्पी न्यू ईयर छत्र जी, नया साल मुबारक हो, और कुछ बोलना चाहते हो हमारे, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं सभी को छत्र जी, और सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे सभी। तो गाइस फाइनली गाजर का हलवा आ चुका है, और नए एक बार फिर से नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और जो आपने सोचा है आप अचीव करें अपनी जिंदगी में। और बस गाइस इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो बाय गाइस।